स्टूडेंट्स, ये आपकी बीए सेकंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ब्रिटिश मंत्रिमंडल, ब्रिटिश कैबिनेट। पिछले वाले टॉपिक्स में हम ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो सदनों के बारे में पढ़ चुके हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बारे में करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट की डेफिनेशन जान लेते हैं, आखिर मंत्रिमंडल होता क्या है। देखिए, मंत्रियों की राजनीतिक समिति जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है, तो वह समिति मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट कहलाती है। ब्रिटेन में क्या है कि संसदीय शासन व्यवस्था है, और जहाँ भी संसदीय शासन व्यवस्था होती है तो वहाँ क्या होता है कि कार्यपालिका जो होती है उसके दो प्रधान होते हैं, एक औपचारिक होता है और एक वास्तविक प्रधान होता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे औपचारिक प्रधान कौन है, सम्राट, और जो वास्तविक प्रधान है प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद। तो शासन सत्ता का जो प्रयोग है वो औपचारिक प्रधान के नाम पर वास्तविक प्रधान के द्वारा किया जाता है। दो ब्रिटिश सम्राट औपचारिक प्रधान है और वास्तविक प्रधान मंत्रिमंडल है जिसके द्वारा वास्तविक रूप से सत्ता का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है इसमें लोक सदन में जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसे सम्राट प्रधानमंत्री बनाता है, और अन्य जो मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट के द्वारा बनाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट, मंत्रिमंडल का गठन। देखिए, मंत्रिमंडल के जो गठन की प्रक्रिया है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से प्रारंभ होती है। अब एक संसदीय प्रथा बन गई, एक ट्रेडिशन सेट हो गया है वहाँ पर कि आम चुनाव के बाद जब नई संसद यानी कि नई कॉमन सभा का गठन होता है तो सम्राट है या फिर महारानी है तो वो क्या करते हैं कि जो निम्न सदन में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो यहाँ सम्राट की व्यक्तिगत जो इच्छा होती है उसका कोई महत्व नहीं है। इसके बाद मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार की जाती है। देखिए, अगर कुछ विशेष दशाएं हो जाती हैं, जैसे मान लो कि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए या उसका कोई उत्तराधिकारी ना हो, तो ऐसे में सम्राट क्या कर सकता है, अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। लेकिन उसको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी वो व्यक्ति चुने वो लोक सदन का सदस्य हो। अब जो मंत्री होते हैं उनके लिए भी संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। यदि मंत्रिमंडल में कोई ऐसा व्यक्ति ले लिया जाता है जो संसद का सदस्य नहीं हो तो उसे 6 माह के अंदर या तो लॉर्ड की उपाधि देकर लॉर्ड सभा का सदस्य बना लिया जाता है या उसे उपचुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुन करके आना होता है। तो मंत्रिमंडल जो है उसमें दोनों ही सदनों को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, प्रतिनिधित्व मिलता है। अब आगे हम बात करते हैं कि जो मंत्री हैं इनका एक छोटा सा समूह होता है और इसमें प्रधानमंत्री को मिला दिया जाए तो 16 से 25 तक मंत्री होते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा ही जो मंत्रिमंडल होता है उसकी सदस्य संख्या निश्चित की जाती है और फिर वही मंत्रियों के विभागों का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। तो ये जो कैबिनेट होती है या जो मंत्री परिषद जो है ये एक नीति निर्माण मंडली के रूप में इसको नियुक्त किया जाता है, और शासन के जो सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो उनको सौंपे जाते हैं। तो
तो इन मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहेंगे या कैबिनेट कहेंगे। और मंत्रिमंडल का जो प्रत्येक सदस्य होता है वो अपने विभाग के प्रशासन के लिए कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि अगर कॉमन सभा किसी एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो सारे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। आगे हम बात करते हैं मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियों के बारे में। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि वास्तविक प्रधान वहाँ कौन होता है, तो इस हिसाब से ब्रिटेन में जो शासन की वास्तविक शक्तियाँ होती हैं उनका उपयोग किसके द्वारा किया जाएगा? वास्तविक प्रधान के द्वारा, यानी कि मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। अब मंत्रिमंडल जो है ये क्या है, संपूर्ण शासन व्यवस्था का केंद्र बन जाता है। तो कई विचारक हैं, उन्होंने मंत्रिमंडल के बारे में कुछ बात कही है, जैसे कि लॉवेल हैं, इन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल जो है ये राजनीतिक भवन की आधारशिला है। इसी प्रकार से मैरियट ने कहा ये एक ऐसी धुरी है जिस पे प्रशासन का चक्र घूमता है। तो अगर एग्ज़ाम में ब्रिटिश कैबिनेट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो उसमें इस प्रकार से एक दो कोटेशन अगर दी जाएंगी तो नंबर जो है वो अच्छे आते हैं। तो ये बात थी लॉवेल एंड मैरियट की। अब आगे बढ़ते हैं मंत्रिमंडल के मुख्य कार्य व शक्तियाँ। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका संबंधी कार्यों के बारे में। अब देखिए ब्रिटेन में क्या है कि जो मंत्रिमंडल है वही क्या है, देश की वास्तविक कार्यपालिका है और जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होती है उसका प्रयोग वही करती है। तो ऐसे में इसकी शक्तियाँ क्या क्या हुई, सबसे पहला जो इसका कार्य होता है वो है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। पूरे देश के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जो दूसरे देशों के साथ में संबंध किस प्रकार से रखने हैं, तो उनके बारे में जो नीति बनानी है वो मंत्रिमंडल ही निश्चित करता है। मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अध्यक्ष होते हैं, तो अपने अपने डिपार्टमेंट का कार्य देखते हैं, उनका संचालन करते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि संसद में प्रशासन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आलोचना की जाती है, तो उसका उत्तर मंत्रिमंडल को ही देना होता है, वही उनका समाधान करता है। तो इस प्रकार से ये कार्यपालिका संबंधी कार्य हो गया। आगे हम बात करते हैं व्यवस्थापन संबंधी कार्यों की। तो जो मंत्रिमंडल है वो क्या करता है कि कानून बनाने के मामले में संसद का नेतृत्व करता है और संसदीय शासन के अंतर्गत क्या होता है कि जो विधायी और कार्यपालिका शक्तियाँ जो होती हैं उनका क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, एकीकरण होता है। यानी कि मंत्रिमंडल और संसद के मध्य एक अटूट संबंध होता है। तो राष्ट्रनीति कार्यक्रम को लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनाना है तो मंत्रिमंडल का एक प्रमुख कार्य हुआ। इसी प्रकार से संसद का अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने के लिए सम्राट जो है वो क्या करता है, वो मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही कार्य करता है। तो ये थे व्यवस्थापन संबंधी कार्य। आगे हम बात करते हैं वित्तीय कार्यों के बारे में। तो देखिए वित्त पर मंत्रिमंडल का पूरा अधिकार है। बजट का निर्माण करना है तो ये मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण कार्य है। और मंत्रिमंडल जो होता है उसे क्या होता है कि लोक सदन में, यानी कि जो निम्न सदन होता है उसमें बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। इसलिए कोई भी कर है या कोई अनुदान की मांग है तो उसमें कोई कटौती है वो मंत्रिमंडल की सहमति के बिना नहीं हो सकती है। तो ये इसकी फाइनेंशियल पावर थी। इसके अलावा और भी अन्य कार्य होते हैं, जैसे कि राजा जो है उसके द्वारा क्षमा के विशेषाधिकार का प्रयोग किया जाता है,
या उसके द्वारा उपाधियों का वितरण किया जाता है, या देश में या देश के बाहर कोई नियुक्ति करनी है तो वो मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही की जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है कैबिनेट की पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में बातें थी। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू।